बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिलर डिसेस एंड लेटिस प्लेन्स। क्रिस्टल फेसेस एंड लेटिस प्लेन्स आर लेबल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर बाय थ्री नंबर्स इन ब्रैकेट कॉल्ड मिलर डिसेस। मतलब क्या है कि हमारे पास क्रिस्टल फेसेस एंड लेटिस प्लेन है, उनको लेबल्ड करने का जो सिस्टमैटिक तरीका है दैट इज मिलर डिसेस। तो पहले मिलर डिसेस समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर लेटिस प्लेन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए लेटिस प्लेन बहुत ही यूजफुल है। लेटिस प्लेन इज अ सेट ऑफ फिक्टिशियस प्लेन बिल्ड बाय जॉइनिंग लेटिस पॉइंट्स। मींस फॉर एग्जांपल दिस इज अ लेटिस स्ट्रक्चर और इसमें आपके पास बहुत सारे लेटिस पॉइंट्स हैं जिनको मैंने रेड डॉट से दिखाया हुआ है। तो इन जो आपके रेड डॉट हैं, लेटिस पॉइंट्स हैं या लेटिस नोड्स हैं, इनको जॉइन करके जो हमारे पास फिक्टिशियस प्लेन हम ड्रॉ करेंगे दैट इज लेटिस प्लेन। इन टू डायमेंशनल आपके पास ये लेटिस प्लेन एक लाइन की तरह आपको विजिबल होंगे, क्योंकि टू डायमेंशन में आपके पास लेटिस प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस टू डायमेंशनल सरफेस हैं जो अभी आपको विजिबल है। तो ये आपके पास एक सेट ऑफ प्लेन्स है जो आपका ब्लू लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। सेकंड सेट ऑफ प्लेन्स जो मैंने रेड लाइन से आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये वाला हो सकता है, ये वाला एक सेकंड सेट ऑफ प्लेन है। थर्ड सेट ऑफ प्लेन जो मेरे पास हो सकता है दैट इज दिस वन। तो और आपके पास फोर्थ सेट ऑफ प्लेन जो मेरे पास हो सकता है, तो ये ग्रीन वाला जो आपके पास विजिबल है ये हो सकता है। तो आपके पास कोई लेटिस स्ट्रक्चर है तो उसमें बहुत सारे आप लेटिस प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ एक ही सेट आपके पास पॉसिबल नहीं होता। जब हम लेटिस प्लेन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस लेटिस प्लेन की बात की हुई है, तो ये एक फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने एक मिलर इंडेक्स इस लेटिस प्लेन के लिए आपके पास लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो मिलर इंडेक्स इस पूरी फैमिली जो आपके पास लेटिस प्लेन की जिसमें बहुत सारे पैरेलल प्लेन हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ लेट अस सी हाउ द मिलर इंडेक्सेस आर टू बी डिटरमाइंड। मिलर इंडेक्सेस को पता करने से पहले सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है बाय कन्वेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस पर आपके पास ये वाला है, वाई एक्सिस के बाद आपके पास जेड एक्सिस है। तो एक्स से वाई, वाई से जेड, ये आपका सिस्टम जो है मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया हुआ है। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि आपके पास ये वाला एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स टू वाई आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट वाई आएगा, फिर आपके पास जेड आएगा। सेम यहाँ पर आपके पास ये वाला सिस्टम भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम एक वैलिड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। इन द सिमिलर फैशन हमारे पास जो क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, उनको उसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही ड्रॉ करेंगे। ओके, अब आपके पास क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन लेटेस्ट वेक्टर ए बी सी के अलोंग होती है। लेटेस्ट वेक्टर आपको याद होगा कि लेटेस्ट वेक्टर जो है ए वो बी एंड सी, ये एक्स जो आपके पास यूनिट सेल है उसमें जो आपके पास एज लेंथ है दैट इज ए बी एंड सी, ये वाली एज लेंथ आपके पास ए है, ये वाली एज लेंथ आपके पास बी है, और ये थर्ड डायरेक्शन जो हमने इस सी एक्सिस के अलोंग है यूनिट सेल की थर्ड एज आपके पास सी के बराबर है। ओके, अब आपको ये भी पता है कि ए बी सी उनके बीच में आपके पास जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाए एक दूसरे के साथ। क्रिस्टलोग्राफी में आपके पास जो यूनिट सेल है उसमें ए बी सी के जो बीच में एंगल्स होते हैं 90 डिग्री से डिफर कर सकते हैं। साथ में ही आपके पास यूनिट लेंथ ए बी सी ये भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। अब जो आपके पास मिलर इंडेसेस हैं जो कि हम जिसको हम एच के एल वैल्यूज भी बोलते हैं,
तो ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, सपोज हमारे पास एक प्लेन है और उसके मिरर डिस्टेंस आपके पास 2 to 1 है, तो ये 2 to 1 ये एच के एल वैल्यू है, मीन्स एच इज 2 के इज 2 1 इज एल, तो एल आपके पास 1 है, एच की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 2 है और आपके पास एल की वैल्यू 1 है, तो ये पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे प्लेन बनाया है इसके मिरर डिस्टेंस आपके पास 2 to 1 है, तो ये 2 to 1 से हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपके पास जो एज लेंथ ए है, फॉर एग्जांपल दिस एज लेंथ, ये जो आपकी यूनिट सेल की एज लेंथ ए है, उसको आपके पास ये वाला रेड प्लेन 2 parts में डिवाइड कर रहा है, ये फर्स्ट जो आपके पास जो है इंडेक्स है ये शो कर रहा है कि आपके पास ए एक्स ए जो है एज लेंथ, उसको आप या लेटेस्ट कॉन्स्टेंट ए है वो 2 part में इस प्लेन से डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली आपके पास जो सेकेंड वाला इंडेक्स है ये 2, ये शो कर रहा है कि आपके पास जो बी वाली जो लेंथ है, बी लेटेस्ट कॉन्स्टेंट है या बी जो आपके पास एज लेंथ है यूनिट सेल की, वो आपके पास इस प्लेन से 2 parts में डिवाइड हो रही है। थर्ड इन्फॉर्मेशन आपका एल से वैल्यू मिल रही है, एल यहाँ पे 1 है, इट मीन्स ये आपके पास ये वाला प्लेन आपके पास सी जो है लेंथ उसको 1 part में डिवाइड कर रहा है। अब मिलर इंडेसिस निकालने का तरीका क्या है? मिलर इंडेसिस निकालने के लिए हम सबसे पहले मिलर इंडेसिस को निकालने के लिए हम प्लेन का एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट है वो निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे इंटरसेप्ट का, और उसके बाद उनको हम स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यूज में रिड्यूस कर लेंगे, इट मीन्स उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आपके पास अगर कोई है तो उस कॉमन फैक्टर से हम उसको डिवाइड कर देंगे, जो आपके रेसिप्रोकल निकले इंटरसेप्ट के उन वैल्यूज को हम कॉमन फैक्टर से रिड्यूस करेंगे। अगर आपके पास कोई प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो उस जो वो प्लेन आपका उस एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स उस प्लेन का इंटरसेक्ट जो है इन्फिनिटी पर होगा, और ऐसे केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स होगा, मिलर इंडेक्स होगा, वो प्लेन का 0 होगा। सेकेंड थिंग जो हमारे पास मिलती है वो दैट इज़ अबाउट नेगेटिव इंडेक्स, अगर आपका जो है इंटरसेप्ट नेगेटिव साइड में आ रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो उस केस में हमारे पास मिलर इंडेक्स नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंडेक्स को हम लिखने के लिए एक बार मिलर इंडेक्स जो नंबर है उसके ऊपर लगाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं 2-dimensional अरेंजमेंट में कि किस तरह से हम मिलर इंडेक्स किसी प्लेन का निकालेंगे। तो आपके पास ये एक मैंने सेट ऑफ प्लेन्स बनाया है, ये आपके पास एक प्लेन्स की फैमिली है, ओके। तो आपके पास बहुत सारे प्लेन हैं इसमें जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पूरे सभी ये प्लेन्स एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सभी का मिलर इंडेक्स भी सेम निकलेगा अगर हम इनको मिलर इंडेक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका मिलर इंडेक्स निकाल लेते हैं इस ब्लू प्लेन का, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ओरिजिन लेंगे, तो ये मैंने ओरिजिन आपका यहाँ पर जो है ओरिजिन को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो मेरा ओरिजिन जो है इस केस में सपोज दिस इज माय ओरिजिन, तो ये मेरा ओरिजिन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ए एक्सिस मेरे पास इस डायरेक्शन में है और बी एक्सिस जो है इस डायरेक्शन में है, यूनिट सेल आपके पास ये वाला पूरा बॉक्स जो मैंने बना रखा दैट इज यूनिट सेल, और इसकी एक एज लेंथ ए के बराबर है और दूसरी एज लेंथ बी के बराबर है। अब मेरे यहाँ पर मेरे पास इस पूरी फैमिली में बहुत सारे प्लेन हैं, तो कोई भी एक प्लेन में चूज कर लूँ एक्सेप्ट दैट पासिस थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसको मैं चूज नहीं करूँ, तो मैं कोई भी एक लेटेस्ट प्लेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, सपोज मैंने ये वाला लेटेस्ट प्लेन सेलेक्ट किया है और मैं इसके मिलर इंडेक्स निकालती हूँ। तो इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है कि आप पहले क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के अलोंग क्या इंटरसेप्ट है वो निकालेंगे, तो ए एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट है दैट इज 1 यूनिट पे जाके आपके पास ये वाला प्लेन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ ए ये आपके पास है 1 लिखने का मतलब दिस इज 1A, ओके। अब बी एक्सिस है, बी एक्सिस के अलोंग में इंटरसेक्ट देखूं तो आपके पास इंटरसेक्ट आपके पास इस पोजीशन पर हो रहा है जो कि हाफ ऑफ बी लेंथ है, बी आई रिमेम्बर आपके पास ए जो है वैल्यू दैट इज एज लेंथ अलोंग ए डायरेक्शन, बी वैल्यू जो है वो यूनिट सेल की एज लेंथ है अलोंग बी डायरेक्शन,
ओके तो यहाँ पर आपके पास ये जो प्लेन है बी एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो इस पूरी एज लेंथ बी को ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो कट है दैट इज एट हाफ ऑफ बी, ओके तो सेकेंड आपके पास इंटरसेप्ट हो गया हाफ ऑफ बी। थर्ड इंटरसेप्ट टू डी में, क्योंकि आपके पास ये प्लेन मैंने जो शो किया है ये इस पूरे जो आपका टू डायमेंशनल मैंने यहाँ पे सरफेस बनाया है इसके परपेंडिकुलर है, तो थर्ड आपका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पे होगा, आपके पास ये प्लेन पैरेलल टू सी एक्सिस रहेगा, तो पैरेलल टू सी एक्सिस रहेगा तो आपके पास इंटरसेप्ट इनफाइनाइट पे होगा। आप इन इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल लेने पे मेरे पास वैल्यू है वन का इन्वर्स आपने लिया वन, हाफ का इन्वर्स टू एंड इनफाइनाइट का इन्वर्स जीरो, और ये वैल्यूज जो मुझे मिली है इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑलरेडी सिंपल इंटीजर फॉर्म में है, तो आपके पास यहाँ पे मिलर इंडेक्स आ गया इस प्लेन का 1, 2, 0। अब सपोज मैंने ये वाला प्लेन ना चूज करके, जो अभी मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस प्लेन को चूज ना करके मैं ये वाला प्लेन चूज करती, तो उस केस में मिलर इंडेक्सेस मेरे पास क्या मिलते हैं? तो मिलर इंडेक्सेस निकालने के लिए मैं इंटरसेप्ट निकालूंगी, तो आपके पास अगर आप देखो तो ए डायरेक्शन में आपके पास इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर, ओके एंड दिस इज माइनस वन ए, ओके तो माइनस वन ए पर आपको इंटरसेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास फर्स्ट इंटरसेप्ट वैल्यू जो है वो आता है माइनस वन, ओके। अब सेकेंड वैल्यू निकाल लेते हैं, बी डायरेक्शन में जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर है, ओके एंड दिस इज हाफ ऑफ, हाफ वैल्यू है माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आपके पास सेकेंड वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई माइनस हाफ, तो इंटरसेप्ट आपका हाफ ऑफ बी वैल्यू पर है, ओके और थर्ड इंटरसेप्ट वैल्यू आपके पास पता है, थर्ड आपके पास है जो है इंटरसेक्शन इन्फिनिटी पे है, आप इनकी रिवर्स वैल्यू ले लें, इंटरसेप्ट का नेक्स्ट स्टेप है रिवर्स लेना, रेसिप्रोकल लेना, तो माइनस वन का रेसिप्रोकल आपके पास आ गया माइनस वन, माइनस हाफ का रेसिप्रोकल आ गया माइनस टू एंड इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल आपके पास जीरो, ओके तो ये वैल्यूज जो है आपके पास अब सिंपल इंटीजर फॉर्म में है, तो फर्स्ट मिलर इंडेक्स आपका आ गया वन बार, सेकेंड मिलर इंडेक्स आपका आ गया टू बार और थर्ड मिलर इंडेक्स आपका जीरो, ओके अब आपको ये भी पता है इनके बीच में कॉमन फैक्टर आप माइनस वन का निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर माइनस वन का निकाल के आप लिख सकते हो वन टू और एंड जीरो, तो ये आपके पास वन टू जीरो एंड वन बार टू बार जीरो जस्ट एक कॉमन फैक्टर माइनस वन से डिफर करते हैं, तो ये सेम फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके अब एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास पैरेलल टू बी एक्सिस है, इस केस में आपके पास जो है ये इंटरसेप्ट जो अगर आप बी के अलोंग निकालें तो आपके पास ये वाला प्लेन कभी भी इस एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो आपके पास इंटरसेप्ट हो गया एट इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में ए डायरेक्शन में निकालें तो आपके पास आपने ये वाला प्लेन कंसिडर किया है, तो ये प्लेन आपका ए वैल्यू को ए एक्सिस को वन ए पर कट कर रहा है, तो आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई अलोंग ए वन इन टर्म्स ऑफ ए, अलोंग बी इन्फिनिटी क्योंकि आपके पास बी एक्सिस के पैरल में ये प्लेन है, और सी के अलोंग अगेन पैरल में है, तो यहाँ भी इन्फिनिटी, इनकी रेसिप्रोकल वैल्यू ली तो आपके पास आई 1, 0, 0 और आपके पास ये वैल्यूज ऑलरेडी सिंपल इंटीजर फॉर्म में है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, तो ये इसका मिलर इंडेक्स आपका आ गया 1, 0, 0। अब ये थर्ड एग्जांपल है जिसमें आपके पास जो है प्लेन पैरेलल टू अनदर एक्सिस जो कि ए एक्सिस के पैरेलल में है, वहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि मिलर इंडेक्सेस क्या आएंगे, तो इस केस में इंटरसेप्ट अलोंग ए डायरेक्शन आपके पास अगर आप देखो तो ए डायरेक्शन में इस ब्लू प्लेन को आप कंसीडर करो, तो ये ब्लू प्लेन कभी भी इस ए एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया एट इन्फिनिटी।
बी जो एक्सिस है इसको इंटरसेक्ट ये करेगा एट 1b, तो आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यूज हो गई, ए के लो एट इन्फिनिटी, बी पे 1, और सी पर आपके पास ये वैल्यू अगेन सी के पैरेलल में है तो आपके पास इनफाइनाइट आएगी। रेसिप्रोकल लो इंटरसेप्ट वैल्यूज का, तो आपके पास वैल्यू आई 0, 1, 0, और इट मीन्स मिलर इंडेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग आपके आ गए 0, 1, 0। थर्ड एक एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला है, अगेन हम उसी तरीके से हम इनमें से इस पूरी फैमिली ऑफ प्लेन में से एक प्लेन चूज करेंगे और हम प्रेफर करेंगे कि ऐसा प्लेन जो ओरिजिन के थ्रू पास ना करे और जो इस यूनिट सेल को कहीं इंटरसेक्ट करे। तो हम ये वाला चूज नहीं करें क्योंकि यूनिट सेल से आपका बाहर है, हम ये चूज करेंगे जो सबसे फर्स्ट प्लेन आपका आपके ओरिजिन के क्लोज आ रहा है। तो ये चूज कर सकते हैं, हम ये चूज कर सकते हैं, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ओके, या ये वाला ले लो, कोई भी लो, दोनों केसेस में ही आपके पास मिलर इंडेक्स जो है इंडेक्सेस की वैल्यू सेम आएगी, ओके। तो मैं आपके पास यहाँ पे चूज कर रही हूँ एक प्लेन को, और ये वाला मेरा प्लेन है जिसको मैं चूज कर रही हूँ, दिस वन, ओके। तो इसके इंटरसेप्ट ए के अलोंग आपके पास 1a, बी के अलोंग इसकी वैल्यू -1 इंटरसेप्ट जो निकल रहा है, और सी पर अगेन इंटरसेप्ट 2d है, तो सी के पैरेलल में ये आपके पास प्लेन चलेगा, तो इनफाइनाइट भी होगा, ओके। इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज लो, तो ये आ गया 1 का रेसिप्रोकल इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1, और थर्ड वैल्यू इसका इनफाइनाइट का इनवर्स 0, तो मिलर इंडेक्स आपके पास 1, -1, 0। अगेन आपको जैसे ही पहले डिस्कस किया है, ये 1 बार 1, 0 और 1, 1 बार 0 दोनों ही इंडेक्स सेम फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने ये वाला प्लेन चूज किया होता तो मेरे पास इंडेक्स आता 1 बार 1, 0, और अगर मैंने ये चूज कर रही हूँ तो मेरे पास इंडेक्स आ रहा 1, -1 बार 0, तो ये 1, 1 बार एंड 0, और ये दोनों ही वैल्यू सेम फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमने यहाँ पे 4 प्लेन डिस्कस किए हैं, आपके पास एक 1, 2, 0 प्लेन ये वाला, एक 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 बार 0, ओके। और इनको देख के हम एक कंक्लूजन साथ में निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर इसका इंडेक्स हम इस प्लेन के कंपैरिजन में देखें तो इसके इंडेक्स की वैल्यू आपके पास हाई है, 1, 2, 0 मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये इंडेक्स वैल्यू हाई है इन कंपैरिजन ऑफ दिस इंडेक्स वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हाई है, और साथ में अगर आप एक प्लेन पर डेंसिटी देखें लेटेस्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर नोड एक आपके पास यहाँ है फिर यहाँ है, तो नोड्स के बीच में गैप ज़्यादा है, इट मीन्स डेंसिटी जो है लेटेस्ट नोड्स की इस प्लेन पर जो है वो कम है, ओके। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू लो है तो आपके पास डेंसिटी ऑफ लेटेस्ट पॉइंट ऑन दैट प्लेन विल बी हाई, ओके। और वाइस वर्सा हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास आपके पास इंडेक्स की वैल्यू हाई है तो आपके पास डेंसिटी लो हो जाएगी, ओके। सेकेंड कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं रिगार्डिंग इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव प्लेन, दैट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ओके। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग अगर हम यहाँ पर निकालें तो आपके पास इस वाले केस को अगर हम देखें जहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू हाई है तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग कम है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडेक्स की वैल्यू लो है तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हाई है। तो एक रिवर्स रिलेशन है बिटवीन इंडेक्स वैल्यू एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो अगर आपके पास इंडेक्सेस की वैल्यू लोअर होगी तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी बड़ी होगी, और वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी तो आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी की वैल्यू कम होगी। अब हम 3d का केस लेते हैं, अभी तक हमने सारे केसेस जो डिस्कस किए हैं वो 2d के हैं, 2d एग्जांपल हैं। तो 3d में भी इस तरह से हम लेटेस्ट नोड्स को जॉइन करके अलग अलग फैमिली ऑफ प्लेन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ये एक प्लेन है उसके पैरेलल में एक और प्लेन आ रहा है, फिर थर्ड प्लेन आ रहा है, लेटेस्ट नोड्स को जॉइन करते हुए ये आपके पास फैमिली ऑफ प्लेन्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। इस फैमिली ऑफ प्लेन में मेरे पास जो प्लेन है मैं कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लूँ और इसको इंडेक्स करूँ, तो इसके मिलर इंडेक्स जो हैं इंडेसेस जो मेरे पास आएंगे, अगेन वही तरीका, आप इंटरसेप्ट निकालोगे अलोंग डायरेक्शन ए बी एंड सी,
तो इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए अगर आप देखो तो ये प्लेन आपका सी एक्सिस के पैरेलल में रन कर रहा है। ओके, अगेन ए डायरेक्शन अगर आप चेक करो तो ए डायरेक्शन के भी ये पैरेलल में रन कर रहा है, सिर्फ बी एक्सिस के अलोंग ही ये आपका बी एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट 1B। ओके, तो आपके पास क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन ए बी सी और इनकी टर्म्स पे अगर मैं इंटरसेप्ट निकालूं तो ए के अलोंग इंटरसेप्ट आपके पास इन्फिनिटी बन रहा है, बी के अलोंग इंटरसेप्ट आपके पास 1B बन रहा है और सी के अलोंग इंटरसेप्ट आपका अगेन इनफाइनाइट है क्योंकि ये पैरेलल टू सी एक्सिस है। ओके, इनकी इन्वर्स वैल्यू ले लो तो आपके पास वैल्यूज आई 0, 1, 0। अगेन जो आपने वैल्यूज निकाले सिंपल इंटीजर रेशियो में हैं और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मिलर इंडेक्स इस केस में मिलर इंडेक्स इज एक्सप्लेन का निकला 0, 1, 0। एक सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास ये वाला है, इस प्लेन के इंडेक्स अगर हम निकालें तो अगेन वही इंटरसेप्ट निकालें, ए पे इंटरसेक्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है 1A, तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ ए वैल्यूज आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई 1। बी के अलोंग इंटरसेप्ट अगर मैं निकालूं तो ये वाला प्लेन इस डायरेक्शन में बी के पैरेलल में रन कर रहा है तो इंटरसेक्ट होगा एट इन्फिनिटी। अगेन सी डायरेक्शन में ये सी एक्सिस के पैरेलल में ये आपका जो है प्लेन है तो सी में भी यहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट होगा एट इन्फिनिटी। इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज आप लो तो आपके पास 1 का इनवर्स 1, इनफाइनाइट का इनवर्स 0, इनफाइनाइट का इनवर्स 0, तो आपके पास मिलर इंडेक्स की वैल्यू आ गई 1, 0, 0। अब थर्ड केस आपका ये वाला है, इस केस में आपके पास मिलर इंडेक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी पड़ी तो मैं वही इंटरसेप्ट निकालूंगी, ए के पैरेलल में ये जो है इस डायरेक्शन में आपके ए के पैरेलल में रन कर रहा है तो यहाँ पर इंटरसेप्ट आपका हुआ इनफाइनाइट। बी के पैरेलल में भी ये आपके पास जो है प्लेन रन कर रहा है तो ये आपके पास सेकंड इंटरसेप्ट, क्योंकि बी एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एट इन्फिनिटी करेगा, तो बी के अलोंग भी इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो गया। अब है सी एक्सिस, सी एक्सिस पे ये 1C पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इन टर्म्स ऑफ सी इसकी वैल्यूज होगी 1, तो आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू मुझे मिल गई इनफाइनाइट इनफाइनाइट एंड 1। इनके रेसिप्रोकल वैल्यूज भी 0, 0, 1, मिनर इंडेक्स मेरे पास निकला 0, 0, 1 क्योंकि सिंपल इंटीजर फॉर्म में है और कोई भी कॉमन फैक्टर इनके बीच में नहीं। थर्ड ये थोड़ा सा आपके पास ये रोटेट आप ये वाला थर्ड वाला है, तो आपके पास ये वाला प्लेन जो है थोड़ा सा डायग्राम बेटर नहीं बन रहा है बट ये आपके पास अगर मैं देखूँ तो इंटरसेप्ट अलोंग ए एक्सिस मेरे पास यहाँ पर है। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक अज्यूम कर लो कि ये वाला इंटरसेप्ट आपके पास इस पोजीशन पर है तो इन टर्म्स ऑफ ए आपके पास इंटरसेप्ट हो गया 1A, तो 1A आपके पास इंटरसेप्ट है तो इन टर्म्स ऑफ ए आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू हुई 1। बी के अलोंग भी ये जो प्लेन है एट 1B पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इन टर्म्स ऑफ बी आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू हुई 1, और सी एक्सिस के अलोंग भी एट 1C इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को तो यहाँ पर वैल्यू हो गई इंटरसेप्ट की 1। रेसिप्रोकल वैल्यू लो 1, 1, 1, तो मिलर इंडेक्स आपके पास आ गए 1, 1, 1। ओके, अब ये आपके पास एक और प्लेन है। ओके, इसके मिलर इंडेक्स अगर आप निकालें तो आपके पास ए डायरेक्शन में ये वाला प्लेन हाफ वे कट कर रहा है, हाफ ए पर कट कर रहा है तो फर्स्ट इंटरसेप्ट की वैल्यू हाफ हुई इन टर्म्स ऑफ ए, सेकंड इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास बी के अलोंग जो ये है 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपके पास सेकंड की वैल्यू जो इंटरसेप्ट की हुई 1, और थर्ड अगर आप एक्सिस के अलोंग देखें तो ये थर्ड एक्सिस के अलोंग ये वाला जो एक्सिस है सी एक्सिस इसके पैरेलल में ये प्लेन रन कर रहा है, इसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो थर्ड इंटरसेप्ट की वैल्यू इनफाइनाइट हुई। इनकी रिवर्स वैल्यू रेसिप्रोकल लिया इनका तो 2, 1, 0, और मिलर इंडेक्स आपके पास यहाँ पर 2, 1, 0 है इस प्लेन के, इसको करेक्ट कर लेना 2, 1, 0। ओके, तो ये वैल्यूज जो है मेरे पास हुई 2, 1 एंड 0 इस प्लेन की वैल्यूज, मिलर इंडेक्स इस प्लेन का 2, 1, 0 है, 1, 1 नहीं है। अब ये एक और एग्जांपल 3D में, इस केस में आपके पास इंटरसेप्ट हाफ वे बिटवीन ए, ए जो लेंथ है इसका इसको आप देखें तो ये हाफ ए पर कट कर रहा है अलोंग ए एक्सिस, बी एक्सिस के अलोंग ये 2/3 ऑफ
बी पर कट कर रहा है और सी जो एक्सिस है उसके पैरेलल में आपके पास ये है, तो सी एक्सिस का अगर आप देखें तो सी एक्सिस के पैरेलल में ये रन कर रहा है, तो आपका थर्ड इंटरसेप्ट इनफाइनाइट पे हुआ। तो ये वैल्यूज आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू आई, ए के लॉन्ग हाफ, बी के लॉन्ग टू थर्ड, सी के लॉन्ग इन्फिनिटी। सो रेसिप्रोकल इनकी वैल्यूज करो तो ये आया 2, 3/2 एंड 0। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मैंने रेसिप्रोकल लिए तो सिंपल इंटीजर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इनको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एलसीएम लेके मैं इसको 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास ये आ गया 4, 3, 0। अब इस 4, 3, 0 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कोई कॉमन फैक्टर होता तो मैं उसको कॉमन निकाल लेती और उसके बाद जो मुझे इंडेक्स मिलते वो मेरे फाइनल इंडेक्स होते, लेकिन अभी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो मेरे पास मिलर इंडेक्स निकला 4, 3, 0। अगेन एक और प्लेन, अब इस प्लेन में अगर आप देखो तो ये प्लेन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। अगर इस टाइप का आपको प्लेन दे दिया गया और आपको मिलर इंडेक्स निकालना पड़ा, तो जिस तरह से हमने 2D एग्जाम्पल्स में किया था कि कोई भी प्लेन आपका ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है तो आपको वो नहीं कंसिडर करना, उसका नेक्स्ट एडजेसेंट जो है प्लेन वो आपको कंसिडर करना है। ओके, एडजेसेंट कंसिडर करने का मतलब है कि आपका, जैसे कि आपके पास यहाँ पे इस प्लेन के जो लेफ्ट साइड में प्लेन है वो वाला, और लेफ्ट साइड में प्लेन क्या है मतलब आपका एक्सिस, आपका आप इस कॉर्नर पे आ गया, ये नेक्स्ट प्लेन है जो इसके लेफ्ट साइड में, इसको हम किस तरह से ट्रांसफर करेंगे अगर कोई इस तरह का आपको मिल गया केस। इस केस में हम ओरिजिन को ही इस यूनिट सेल में शिफ्ट कर लेंगे इस तरह से कि आपके पास ये जो है प्लेन विद इन यूनिट सेल रहे और इस तरह से हम और ओरिजिन पे इंटरसेक्ट ना करें। इसका मतलब ये है कि हमने इसी प्लेन को नहीं चेंज किया, हमने इसका नेक्स्ट प्लेन कंसिडर किया, इसका एडजेसेंट प्लेन कंसिडर किया। आपको शिफ्ट ओरिजिन किस तरह से करना है कि सबसे पहले हम जो पैरेलल वाली डायरेक्शन है जिसके पैरेलल में ही प्लेन रन कर रहा है उसको कंसिडर नहीं करना उस डायरेक्शन को, बाकी जो डायरेक्शन है उनको कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि बी के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में बी के मैंने अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, ये देखिए। ओके, तो बी की पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने आपके पास यहाँ पर शिफ्ट कर लिया ओरिजिन को। ओके, आप चाहते तो आप ए डायरेक्शन में भी, ए की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते थे, और अब इस केस में जो अभी जो मेरे पास डायग्राम बना मैं इसके मिरर इंडेक्स निकालूंगी। तो अगर आप ये देखें तो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में ये वाला प्लेन दिया गया था, अब मैंने जो प्लेन कंसिडर किया है इस वाले सेल में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ ओरिजिन था, इस कोने पर था। ठीक है, लेकिन अब मैंने इस प्लेन को ना कंसिडर करके इसकी नेक्स्ट एडजेसेंट प्लेन को कंसिडर करा है और उसकी यूनिट सेल में आपके पास ओरिजिन अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपके पास राइट कॉर्नर है पीछे वाला उस पे ओरिजिन आपके पास शिफ्ट है, आपके पास फाइनल ये वाली फिगर बनी है जिसमें आपको मिलर इंडेक्स निकालना है। ओके, अब मिलर इंडेक्स निकाल लेते हैं, आपके पास क्या है अलोंग ए डायरेक्शन अगर आप कंसिडर करो इस ओरिजिन में तो ये जो है प्लेन एट 1A इंटरसेक्ट कर रहा है। बी डायरेक्शन में अगर आप कंसिडर करो तो बी आपके पास ये वाले पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन के बी की पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, ये बी की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो सेकेंड इंटरसेप्ट हो गया आपका -1। थर्ड इंटरसेप्ट हुआ आपका क्योंकि ये सी एक्सिस के पैरेलल में रन कर रहा है, ये वाला सी एक्सिस है आपके पास और सी एक्सिस के पैरेलल में ये आपके पास प्लेन रन कर रहा है तो ये कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी इंटरसेक्ट करेगा। थर्ड वैल्यू इंटरसेक्ट की आपके पास इनफाइनाइट। इसके रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो आपके पास वैल्यूज आ गई 1, -1 एंड 0, रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज जो है 1, -1 एंड 0। अब इनको लोवेस्ट इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो तो आपके पास 1, -1, 0 ही रहेगा क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और ऑलरेडी ये इंटीजर फॉर्म है। तो मिलर इंडेक्स आपके पास आ गया 1, 1 बार एंड 0। अब अगर मैंने ओरिजिन आपका इस कोने की बजाय आपके पास बी एक्सिस के पॉजिटिव बी एक्सिस की डायरेक्शन में शिफ्ट करने की बजाय अगर मैं ए एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करती और पॉजिटिव ए एक्सिस डायरेक्शन, रिमेंबर पॉजिटिव ए डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपको शिफ्ट करना है। ओके,
ओके तो मेरे पास इंडेक्स जो इंटरसेप्ट की वैल्यूज आती, ए पर वैल्यू आती पॉजिटिव डायरेक्शन ए की, अब की बार आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन ए की ये वैल्यू, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इसके बैक अगर आप जाओगे तो वैल्यूज आपके पास नेगेटिव शुरू हो जाएंगे। तो इधर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और दूसरी साइड अगर आप देखो तो आपके पास इधर पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरी साइड आपके पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज है। ओके तो इंटरसेप्ट आपका ए के अलोंग आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई ए एक्सिस के अलोंग एट माइनस वन ए, तो ये माइनस वन इन टर्म्स ऑफ ए वैल्यूज आ गया। बी के अलोंग अगर आप इंटरसेप्ट निकालो तो बी के अलोंग आ गया वन पे, वन बी पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो वैल्यू आ गई वन इन टर्म्स ऑफ बी, और सी के ये पैरेलल में है, ये सी एक्सिस है और इसके पैरेलल में है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पर जाकर होगा, तो ये आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू इंटरसेप्ट किया गया। ये रेसिप्रोकल वैल्यूज ली माइनस वन वन जीरो, और कॉरस्पॉन्डिंग लोएस्ट इंटीजर फॉर्म में आपके पास अगर आप इस रेसिप्रोकल की वैल्यूज को देखो तो मिलर इंडेक्स आपके पास निकले वन बार वन जीरो। रिमेंबर अगर आपके पास अगर कोई भी दो मिलर इंडेक्स माइनस वन कॉमन फैक्टर से डिफर कर रहे हैं तो वो सेम फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने जो केसेस डिस्कस किए 3D में, आपके पास एक ये केस डिस्कस किया है, ओके एक ये एक, आपके पास इतने सारे डिस्कस मैंने केस किए हैं। अगर आप सिंपली इनके जस्ट इंटरसेप्ट कितने पार्ट्स पे ये प्लेन ए बी और सी को डिवाइड कर रहा है उससे अगर आप इसकी वैल्यूज इंडेक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट करो, तो यहाँ पर ये वाला प्लेन क्योंकि आपके पास ये ए एक्सिस के पैरेलल में है तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जीरो, बी एक्सिस को ये वन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बी जो लेंथ है एक्सिस नहीं बी लेंथ जो आपकी एज लेंथ है बी उसको वन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो सेकेंड वैल्यू इसकी आपके पास निकलेगी वन, और जो आपकी सी जो एक्सिस है उसके पैरेलल में है, तो इस केस में आपके पास इसके इंडेक्स निकलेंगे, आपके पास मिलर इंडेक्स फर्स्ट जीरो, ओके सेकंड आपके पास वन एंड थर्ड जीरो। तो आप सिंपली यहां से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कितने पार्ट में इस एक्सिस को या आपकी लेंथ है ए बी और सी लेंथ को डिवाइड कर रहा है कोई प्लेन, उससे भी आप मिलर इंडेक्स निकाल सकते हो। ओके तो यहाँ पे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्योंकि इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहा इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग तो आप वैल्यू जीरो ही लोगे। ओके सेकेंड वैल्यू में ये यहाँ पे इंटरसेप्ट ये जो है सेकेंड वैल्यू जो है इसको पूरे बी लेंथ को वन पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो वन। ओके और थर्ड वैल्यू आपके पास जीरो, थर्ड वैल्यू आपके पास आ गई जीरो। ठीक है तो ये आपके मिलर इंडेक्स वैल्यू है इस वाले केस में। सेकंड वाले केस में आपके पास ए को वन लेंथ में डिवाइड कर रहा है, बी एक्सिस के ये पैरेलल में है और सी एक्सिस के भी पैरेलल में है, तो इसके जो वैल्यूज हैं दैट इज वन जीरो जीरो। थर्ड वाला आपके पास जो है सी एक्सिस पे ही इंटरसेप्ट है, जो सी जो है लेंथ उसको वन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सी वैल्यू वन, दो एक्सिस उनके पैरेलल में है तो दो वैल्यूज इसकी ए के अलोंग जो इंडेक्स वैल्यू जीरो, बी के अलोंग इंडेक्स वैल्यू जीरो और थर्ड वैल्यू वन। इस केस में अगर आप देखो तो पूरे इस एक्सिस को ए वैल्यूज को ए लेंथ को ये वन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बी लेंथ को वन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सी लेंथ को वन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसकी वैल्यूज वन वन। तो इस तरह से भी आप डायरेक्टली भी मिलर इंडेक्स निकाल सकते हो। अब है हमें मिलर इंडेक्स अगर दे रखे हैं तो मिलर इंडेक्स से हम लेटेस्ट प्लेन को मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँ। मिलर इंडेक्स आपके पास किसी प्लेन का सपोज आपको दिया है वन थ्री वन, ओके तो ये मिलर इंडेक्स आपको 1 3 1 दिया हुआ है। आप बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आपने इंटरसेप्ट को इन्वर्स करके अपने मिलर इंडेक्स निकाले थे, तो अब रिवर्स तरीका होगा, आप मिलर इंडेक्स को रिवर्स करके इंटरसेप्ट वैल्यूज निकाल सकते हो।
ओके तो 1, 3, 1 है, इसको इन्वर्स किया, आपके पास वैल्यूज आई 1, 3। इन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट, अगर इसका मतलब मिडल इंडेक्स आपके पास ये दे रखे हैं तो इन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो आपको दे रखे हैं, और दैट इज 1, 3, 1। ओके, इन वैल्यूज को इन्वर्स करके हमें इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकाल सकते हो, तो मिडल इंडेक्स को इन्वर्स करके मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू आई 1, 1/3 एंड 1। ओके, तो आपका ये प्लेन जो है ये आपके पास प्लेन बना, ये आपका ए एक्सिस को 1 a पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बी एक्सिस को 1/3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और सी एक्सिस को 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्ट वैल्यू से आप निकाल सकते हो। दूसरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली भी आपको मिल रही थी यहाँ से कि ये है ए लेंथ को 1 पार्ट में डिवाइड करेगा, नेचुरली आपके पास जो ए एज लेंथ है वो यहाँ पर टोटल यहाँ पे 1 पार्ट पर डिवाइड करेगा, बी एज लेंथ को ये आपके पास 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में से 1 पार्ट आपको लेना है, तो ये आपका 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये आपके पास टोटल 3 पार्ट, आप इसको बना दो, ये आपका 1 पार्ट जो है इसने प्लेन ने इसको 3 पार्ट्स में पूरे को डिवाइड किया है, तो ये आपका 1/3 of 3 पार्ट है। ओके, और थर्ड जो है वैल्यूज उसको 1 पार्ट में, थर्ड जो सी वैल्यू है आपके पास सी लेंथ है उसको 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल रही है। सेकेंड है एक और मिलर इंडेक्स मुझे दिया हुआ है 2, 3, 1, इसका इन्वर्स अगर मैं लूँ इंटरसेप्ट वैल्यू, इट मीन्स आपको इंटरसेप्ट वैल्यू दे रखी है, दैट इज इंटरसेप्ट वैल्यूज की इन्वर्स दे रखा है, दैट इज 2, 3, 1, और इंटरसेप्ट निकालने के लिए इस 2, 3, 1 को मैं क्या करूँगी, इन्वर्स कर लूँगी, तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आई 1/2, सेकेंड वैल्यू आई 1/3, थर्ड वैल्यू आई 1। ओके, तो आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यूज मिल गई, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास यहाँ पर आएगा प्लेन का, सेकेंड पॉइंट मेरे पास, तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास यहाँ आ रहा है, सेकेंड पॉइंट आपके पास 1/3 वैल्यू पर आ रहा है, तो ये आपकी 1/3 वैल्यू है, और थर्ड पॉइंट आपके पास 1 पर आ रहा है, तो इनको ज्वाइन कर दो आपको प्लेन मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका फाइनल प्लेन है आपके पास ये वाला। अब है मिलर इंडेक्स आपके पास 1, -1, -1, ये दे नेगेटिव मिलर इंडेक्स है, उस केस में प्लेन को ड्रॉ करने के लिए पहले आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरह से कि नेगेटिव एक्सिस की वैल्यू, नेगेटिव जो वैल्यूज हैं विद इन यूनिट सेल आपके पास आए। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये देखो आपके पास कौन सी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव हैं, उसी डायरेक्शन में हम एक्सिस को शिफ्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज फर्स्ट इंडेक्स पॉजिटिव है, सेकेंड इंडेक्स नेगेटिव है, थर्ड इंडेक्स नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे ओरिजिन को जो इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव है उस डायरेक्शन में, उस पॉजिटिव डायरेक्शन में आप ओरिजिन को शिफ्ट करोगे। तो आपके पास इनिशियली ओरिजिन आपके पास यहाँ है। ओके, अब हम क्या करेंगे ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे किस तरह से, सबसे पहले हम आप जो ये सेकंड वैल्यू है बी, बी एक्सिस के लो इंटरसेप्ट जो मिलर इंडेक्स है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो बी डायरेक्शन में मैं यहाँ से अपने ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर लूँगी। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिन आ गया। अब आपका एक और वैल्यू है जो नेगेटिव है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये जो आपका थर्ड जो डायरेक्शन है उसके अलोंग जो सी एक्सिस है उसके अलोंग ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो अब आप सी एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो आपका ओरिजिन यहाँ आएगा। ओके, तो फर्स्ट आपने क्या किया, ओरिजिन आपका इनिशियली यहाँ था, यहाँ पर ओरिजिन लेते हो तो इस यूनिट सेल में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अगर मैं इस ओरिजिन को पॉजिटिव बी डायरेक्शन में मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो अब की बार मेरे पास क्या है कि आपके पास इस यूनिट सेल में बी की वैल्यू सारी नेगेटिव है रिलेटिव टू दिस ओरिजिन, ए की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है रिलेटिव टू दिस ओरिजिन, एंड सी की वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव है रिलेटिव टू दिस ओरिजिन, बट आपके पास सी की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो आपको एक बार और ओरिजिन को शिफ्ट करना है, आप इस पॉइंट से ओरिजिन को शिफ्ट कर लोगे इस पॉइंट पर। ओके, तो आप ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चल रहे हो, पॉजिटिव सी डायरेक्शन में आए, इस कोने पे आ गए। ओके, अब इस यूनिट सेल में आपके पास अगर आप देखो तो ये आपके पास पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। ओके, पॉजिटिव बी डायरेक्शन जिसको मैं बी एक्सिस बोल रही हूँ, ये पॉजिटिव बी, जिसके नेगेटिव साइड ये है, तो यहाँ पे बी एक्सिस के अलोंग जितने भी नेगेटिव वैल्यू हैं आपके पास इस तरफ है इस यूनिट सेल में। ओके, ए डायरेक्शन पॉजिटिव ये है,
तो ए की वैल्यूज पॉजिटिव हैं सी यूनिट सेल में, और सी की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो सी की वैल्यूज इस नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास ये यूनिट सेल हैं। अब आप आराम से अपने इंडेक्स प्लेन को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल इंडेक्स आपको दे रखा 1 -1 -1, ओके। इट मीन्स ये आपको इंटरसेप्ट की वैल्यूज इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट की वैल्यूज दे रखी है, ओके। तो इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट आपको गिवन है 1 -1 -1। अब इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज दी है उसको उल्टा कर लो, तो मेरे पास इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी 1 -1 -1, ओके। अब मैं प्लेन को ड्रॉ कर लेती हूँ, ओके। तो आपके पास क्या है कि ए पर 1 पर इंटरसेक्शन है, ओके। ए पर आपके पास इंटरसेक्शन एट 1A है, ए एक्सिस के लॉन्ग 1A लेंथ पर, बी एक्सिस के लॉन्ग आपके पास, सॉरी मैंने ये गलत बना दिया, ये आपके पास फाइनल ये वाले है, ओके। तो ए के लॉन्ग आपके पास पॉजिटिव 1 पॉइंट, ओके। तो दिस इज पॉइंट योर, जो आपके पास पॉइंट है वो ये वाला है, ओके। सेकेंड आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू -1 है, तो माइनस डायरेक्शन आपके पास ये वाली है, तो -1 ये वाला पॉइंट है, ओके। थर्ड वैल्यू अगेन आपके पास -1 है, पॉजिटिव आपके पास सी डायरेक्शन ये वाली है, तो इसके नेगेटिव डायरेक्शन आपकी ये वाली होगी, तो सी के नेगेटिव चले तो आपके पास तीसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया, ओके। तो ये 3 पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन कर दो तो आपके पास प्लेन मिल जाएगा। तो ये मेरा ये फर्स्ट पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया, ये सेकेंड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, और ये आपका प्लेन इस केस में बना, ओके। अब आपको पता है कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं 1 -1 -1, ओके। अगर आप इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेते तो आपके पास आता है मिलर इंडेक्स आता 1 बार 1 एंड 1, ओके। तो उस केस में अगर आप ये प्लेन, आप ये कॉमन फैक्टर 1 निकाल के भी सिर्फ आपको ओरिजिन एक बार ही शिफ्ट करना पड़ता अगर आप ये वैल्यू सिलेक्ट करते, ठीक है। ये सेम फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर -1 का है, ओके। तो आपके पास नेक्स्ट अगर मैंने इससे ड्रॉ कर रहा होता तो मेरे पास क्या वैल्यू आती, मैं अपने ओरिजिन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए में शिफ्ट करती थी, मेरा ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो आपका फाइनल ओरिजिन जो बनता एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ बनता, ओके। ये मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता अगर मेरे पास मिरर इंडेक्स ये होते, ओके। अब आपके पास इंटरसेप्ट अगर निकालते तो -A -1 आपके पास इंटरसेप्ट है, इनवर्स आपने कराई इन वैल्यूज का, तो फर्स्ट इंटरसेप्ट की वैल्यू -1, सेकंड की वैल्यू 1 का इनवर्स 1 ही है, थर्ड की वैल्यू 1 का इनवर्स 1 आया, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास -1 पर है, ये पॉइंट आता। सेकेंड बी एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट, अगर इंटरसेप्ट यहाँ पे आया -1, इनको इनवर्स किया तब आया, यहाँ पे आया 1 का इनवर्स 1 और यहाँ का आया 1 का इनवर्स 1, तो फर्स्ट इंटरसेप्ट -1 पर, सेकेंड इंटरसेप्ट आपका बी के लो 1 पर, और थर्ड इंटरसेप्ट आपका सी के लो एट 1, ओके। रिमेंबर ओरिजिन आपका यहाँ है, ओके। तो अब आप इसको ज्वाइन कर दो, ओके। तो अगर आपने इस प्लेन को ड्रॉ किया होता तो आपको ये प्लेन मिलता, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों आपस में पैरेलल प्लेन्स हैं, इनके बीच में दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली, ओके। ओके, ये एक नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे आपको मिलर इंडेक्स जो इंडेक्सेस की वैल्यू दी हुई है दैट इज 0 1 बार 1, और इस केस में आपको मिलर इंडेक्स से प्लेन को ड्रॉ करना है, ओके। तो मिलर इंडेसिस आपको जैसे कि पता है, शुरू में मैं बता चुकी हूँ कि मिलर इंडेसिस जो है आपको इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ का इन्वर्स दे रहे हैं, ओके। तो इट मीन्स आपको इन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट प्रोवाइडेड है इन टर्म्स मिलर इंडेक्स के फॉर्म में, तो आपके पास इन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट हो गए 0 -1 1, सेम एज मिलर इंडेसिस, ओके। तो यहाँ पर आपके पास अब हम निकालते हैं इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ क्या, 0 का इन्वर्स किया आपके पास मिला इन्फिनिटी, -1 का इन्वर्स किया -1, 1 का इन्वर्स किया 1, तो इस तरह से हम इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, और इंटरसेप्ट निकाल के अब हम फाइनली इंटरसेप्ट पॉइंट निकालते हैं, ओके।
तो जहाँ पे आपको इंटरसेप्ट इन्फिनिटी मिल रहा है उस पॉइंट को अभी छोड़ दो, हम बाकी को कंसिडर करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या है कि सेकंड पॉइंट जो आपका सेकंड वैल्यू है इंडेक्स की वो माइनस वन है, जो ब्लू येलो है, जो आपके पास सेकंड इंटरसेप्ट है दैट इज माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस वन जो वैल्यू आई वो आई मेरे पास यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज जो है माइनस वन आ रही है, तो मेरा ओरिजिन कहाँ है यहाँ पर, बट मेरे पास क्या है कि मुझे ओरिजिन को अब शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि माइनस वन इस यूनिट सेल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ कि इस माइनस के अकॉर्डिंग मैं पहले अपने ओरिजिन को शिफ्ट करती हूँ। तो ये बी डायरेक्शन के लोग मेरी माइनस वैल्यू है, तो मैं ओरिजिन को भी बी की पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करूँगी। तो मेरा ओरिजिन जो इनिशियली इस पॉइंट पर था, अब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करूं बी के लोग, तो मेरा ओरिजिन यहाँ बन गया। बाकी आपके पास एक्स की डायरेक्शन वही रहेगी ये इस पॉइंट इसके लोग, वाई की डायरेक्शन अब आपकी होगी इधर, और जेड की डायरेक्शन होगी आपके पास इधर। ओके, तो अब विद इन दिस यूनिट सेल आपके पास एक्स की वैल्यूज जो है पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पास ये वाली है। ओके, तो एक्स की वैल्यूज यूनिट सेल में पॉजिटिव होंगी, y की वैल्यू क्योंकि y की पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पास ये है तो y की वैल्यू इसमें नेगेटिव आएंगी, और z की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो z की वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव आएगी। अब इंटरसेप्ट वैल्यू से हम पॉइंट निकाल लेते हैं किस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आप इन्फिनिटी वाले को बाद में कंसिडर करेंगे, पहले इन वैल्यूज को कंसिडर कर लेते हैं। माइनस वन बी के लॉन्ग माइनस वन पर इंटरसेप्ट है, तो आपके पास ये वैल्यू होगी, ये ओरिजिन है आपके पास। ओके, तो ओरिजिन से मैं चली नेगेटिव डायरेक्शन में, मेरे पास आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट दिस वन। ओके, सेकंड आपके पास लास्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है वन, उसका इन्वर्स करके मैंने निकाला था इंटरसेप्ट की वैल्यू वन, तो यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन एट वन सी है। तो वन सी पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पास ये वाली है, आप इस डायरेक्शन में चले तो आपके पास इंटरसेप्ट यहाँ पर आएगा। ओके, तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, पहले तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अब थर्ड जो इंडेक्स है वो आपके पास इन्फिनिटी है, थर्ड जो एक्सिस है उसके पैरेलल में हमारे पास जो है ये हमारा प्लेन रन कर रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, थर्ड जो डायमेंशन है आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकला, उसको थर्ड डायमेंशन के पैरेलल में हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, थर्ड एक्सिस के लोग शिफ्ट करो। ओके, तो विद इन दिस यूनिट सेल में यहाँ पे कॉर्नर पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। अब दूसरा आपके पास पॉइंट ये निकला था जहाँ पे आपका प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा था। ओके, तो अब मैं इसको भी क्या करती हूँ, शिफ्ट कर लेती हूँ एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इस कोने पे आके लैंड की। ओके, तो एक पॉइंट अब आपका ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। ओके, तो अब इनको ज्वाइन कर देती हूँ, ये आपका फाइनल प्लेन है, तो आपके पास प्लेन आपके पास ये वाला बना है। ओके, राइट, तो ये आपका जीरो वन बार वन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको प्लेन मिला है, हमने ये ड्रॉ किया था, ये हमारे पास मिला है। ओके, अब नेक्स्ट है एक और प्लेन, हम लास्ट प्लेन एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस लास्ट एग्जांपल में हमें मिलर इंडेक्स प्रोवाइड कर रखा जीरो वन बार वन बार। ओके, इट मीन्स हमारे पास इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट की वैल्यूज जो हैं वो है जीरो माइनस वन माइनस वन। इंटरसेप्ट अगर मुझे निकालना है तो जो मुझे इनवर्स वैल्यू दी हुई है इंटरसेप्ट की उसको इनवर्स कर देती हूँ, तो मेरे पास आए इनफाइनाइट माइनस वन माइनस वन। ओके, तो सबसे पहले वही काम, क्योंकि मेरे इस यूनिट सेल में जो अभी मैंने बनाया है इसमें सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो मुझे इसमें नेगेटिव वैल्यूज लानी पड़ेगी। ओके, इसके लिए मैं क्या करूँगी, ऑरिजिन को शिफ्ट। ओके, मेरा ऑरिजिन अभी कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू बी एक्सिस के अलावा ये वैल्यू नेगेटिव है, पहले यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। ओके, तो ये आपका शिफ्टिंग अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो मेरे पास ऑरिजिन मेरे पास यहाँ पर बी एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं शिफ्ट करूँ तो यहाँ मिल जाएगा। थर्ड वैल्यू भी नेगेटिव है तो मैं थर्ड वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर लेती हूँ, तो मेरे पास अब की बार एक्सेस यहाँ पर आ गया। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप इस तरह से निकालो एक्सेस के, अब इसके रिलेटिव में इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ के उनको निकालो क्या है। दूसरा, क्योंकि इसमें मेरे पास दो दो वैल्यूज नेगेटिव है, अगर आप इसमें देखो तो इसमें दो वैल्यूज नेगेटिव है। ओके, और इनके बीच में कॉमन फैक्टर माइनस वन को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो बजाय मैं इसको जीरो माइनस वन ये जीरो वन बार प्लेन है इसको ड्रॉ करने के बजाय, अगर मैं माइनस वन कॉमन फैक्टर निकालूं
तो सेम फैमिली ऑफ प्लेन को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर जीरो है, सेकंड वैल्यू मेरे पास यहाँ पर प्लस वन है और थर्ड वैल्यू मेरे पास प्लस वन। ओके, तो इंडेक्स वैल्यू अगर मेरे पास होती जीरो वन वन तो सेम फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही होती। ठीक है, तो मैं बजाय ये जीरो माइनस वन ड्रॉ करने के ये वैल्यू अगर मैं ड्रा करती हूँ तो जीरो वन वन, तो ये इसी सेम फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको जीरो वन बार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज है, सिंपल, इसको जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो उस वैल्यू को ड्रॉ करूँ सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, जहाँ पे इनफाइनाइट आपके पास इंटरसेप्ट आ रहा है उसको बाद में कंसिडर करूँगी। ओके, इसके इंटरसेप्ट, इसको इन्वर्स करके अगर मैं निकालूँ तो आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट और वन वन। ठीक है, तो मैं ये निकाल लेती हूँ, पहले ये लेते हैं जो मेरे पास फाइनाइट वैल्यूज हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता कर लेते हैं कौन से। बी एक्स यूज कर लो, अब की बार मेरे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं ओरिजिन को यहीं रखूंगी। ठीक है, बी एक्स यूज कर लो, चलिए वन पर यहाँ पर इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्शन है। ओके, अब दूसरा सी के अलोंग भी मेरे पास इंटरसेक्शन वन सी पर है, तो सी के अलोंग में चलिए तो यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकला। ओके, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेती हूँ, राइट, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरे पास फाइनल एक लाइन आ गई। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपका एक भी वैल्यू जो है इंटरसेप्ट की इन्फिनिटी आएगी तो आपको चार पॉइंट बनाने पड़ेंगे प्लेन को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो दो पॉइंट तो मुझे मिल गए, एक दिस वन और एक ये, और इनको ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन प्लेन में ड्रॉ कर ली। अब मैं क्या करूँ, थर्ड इंटरसेप्ट मेरा इन्फिनिटी पे है, मैं यहाँ पे पैरेलल में शिफ्ट कर लेती हूँ, इसको एक्स एक्सिस कह लूँ यहाँ पर, तो मेरे पास एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, और इसको भी मैं शिफ्ट करूँगी, जो आपका दूसरा पॉइंट है उसको भी एक्स एक्सिस कह लूँ शिफ्ट करूँगी, तो एक पॉइंट मेरे पास ये, इसको ज्वाइन कर दो और ये आपस में इधर ज्वाइन कर दो, तो ये आपका फाइनल प्लेन है जो कि आपका जीरो वन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेम फैमिली से आपका जीरो वन बार जो है प्लेन वो बिलोंग करता है। तो आप चाहे तो आप जीरो वन बार वाला ड्रॉ कर लेते, चाहे आप जीरो वन वन ड्रॉ कर दो, सेम चीज़ है। तो ओके, मैंने प्रेफर किया कि मैं ये जिसमें कम नेगेटिव वैल्यूज हैं वो वाला ड्रॉ करूँ, नेगेटिव कॉमन लेके। ओके, तो ये आपका प्लेन है। आज के लिए बहुत।